नमस्कार, बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद और खूबसूरत हीरोइन नुसरत जहां की प्रेगनेंसी को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। खबर तब और हैरान करने वाली हो गई जब एक वेबसाइट की रिपोर्ट में ये कहा गया कि उनके पति निखिल जैन प्रेगनेंसी के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं। रिपोर्ट में कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि निखिल और नुसरत 6 महीने से साथ नहीं रह रहे हैं। इससे भी बड़ी खबर ये है कि नुसरत जहां का नाम एक नए शख्स के साथ जोड़ा जा रहा है। इस शख्स का नाम है यशदास गुप्ता। यशदास गुप्ता कई टीवी सीरियल में नजर आ चुके हैं। यशदास गुप्ता ने बॉलीवुड में काम करने के साथ ही बंगाली सिनेमा की ओर भी रुख किया हुआ है, जहां वो कई शोज में नजर आए। इसके अलावा डांस रियलिटी शो रितुरमेला झूम तारा रा में भी हिस्सा लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में जब यश ने SOS कोलकाता नाम की फिल्म की तो उसी दौरान उनकी नजदीकियां नुसरत से बढ़ गईं। दोनों इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान कुछ इस अंदाज में साथ साथ नजर आते थे। वहीं आपको बता दें कि यशदास गुप्ता BJP में है। यश ने 2021 में हुए बंगाल चुनाव के दौरान BJP का दामन थामा और चुनाव लड़े, लेकिन उनको जीत नहीं मिली। एक तरफ निखिल जैन अपनी यात्रा के सोलो फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो दूसरी तरफ नुसरत और यशदास गुप्ता को राजस्थान में साथ देखा गया। राजस्थान ट्रिप के दौरान कुछ मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आप में और नुसरत में इतनी बनती है, लेकिन दोनों की पार्टियां अलग क्यों हैं? इस पर यश ने कहा कि अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की तरह। अरे नहीं, अक्षय और ट्विंकल की तो शादी हो चुकी है, नुसरत और मेरी नहीं। वेल, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि क्या सच में नुसरत जहां और यशदास गुप्ता का अफेयर चल रहा है या ये सिर्फ एक अफवाह है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें बोल स्काई के साथ।